15.2 सवाल नंबर है आपकी एक। इसने कहा ये हमारे पास गन दे रखा है, अब ऐसा ही आप यानी कि इस गन में ये ऐसे ऐसे गन कितने आएंगे, जब किसी एक चीज को दूसरी चीज के अंदर डालते हैं, मतलब ये पहले ऐसा दे रखा है, मान लो ये खाली है, क्या करना है इसको ऐसे डालेंगे अंदर तो यह आएगा एक बार, एक बार तो क्या है? ये पूरा भर जाएगा इसमें, ये इसमें डालेंगे तो क्या एक से आएगा, जैसे मान लो हमने इसमें एक डाल दिया था, फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, अब क्या पता कितने आएंगे। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ऐसे ऐसे घनाभ अंदर कितने आएंगे, वो करना है हमें ज्ञात। तो देखो जब भी किसी संख्या में कोई दूसरी संख्या डालनी है या दोनों ये इससे ये बनाना है या इससे ये बनाना है तो हमें क्या करते हैं आयतन ज्ञात करते हैं, क्या कहते हैं आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का आयतन बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है, इसकी भुजाएं है 60, 54 और 30 है और इसकी भुजाएं कितनी है आपके 6 ही, तो दोनों का जो आयतन है आपके क्या होगा, आपके दोनों का जो आयतन दे रखा है बराबर तो नहीं होगा, लेकिन इस एक के अंदर ऐसे ऐसे खूब सारे आएंगे तो उनकी संख्या क्या करनी है हमें, क्या ये तो है घनाभ और ये घन। तो देखो हम क्या ज्ञात करेंगे, घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, घन का आयतन, लेकिन पूरा बराबर नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ और घन चाहिए, ऐसे कितने चाहिए हमें, वही करना है हमें ज्ञात। ये सवाल पूछा गया है, एग्जाम आया हो भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में, तो देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ऐसे ऐसे कितने घन आएंगे, उन घनों की हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। बताओ घनाभ का आयतन का सूत्र क्या ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका सूत्र क्या है ज्ञात करने का, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, और घनों की संख्या वो करनी है हमें ज्ञात करनी है। बताओ की लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 54, ऊंचाई कितनी है 30, इसमें भुजा 3 बार है और तीनों एक जैसी है, इसलिए तीनों एक ही साथ लगा लो, 6 × 6 × 6 3 बार है, तो यहाँ तो हम लगाया इन तीनों का गुणा और यहाँ लगाया है इन तीनों का गुणा, या कह सकते हो 6³ भी बोल सकते हो, 6³ मतलब 6 को 3 बार लिखना, ये लिखो तो भी राइट है, ऐसा लिखो तो भी राइट है, या जैसे हमने यहाँ लिखा है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, इसमें तो आपके तीनों भुजाएं अलग अलग होती है घनाभ में, लेकिन घन में तीनों भुजाएं क्या होती है, एक ही होती है, हो जाएगा 6 × 6 × 6, ये हो गया इसका आयतन, इंटू एक्स मतलब हमें क्या करना है, घनों की संख्या ज्ञात करनी है, ये संख्या इधर आएगी हो जाएगी भाग में, तो 60 × 54 × 30 ये संख्या सब इधर आ जाएगी 6 × 6 × 6, जैसे इधर भेज दिया पीछे क्या बचा आपके x बचा, x बचा है मतलब हमारे पास बचा है घनों की संख्या आ जाएगी, यहाँ तो भाग जाएगा 10 बार, यहाँ जाएगा 9 बार, यहाँ जाएगा 5 बार, 10 × 9 = 45 गुणा कर लो होता है 450 ऐसे ऐसे घन अंदर आ सकते हैं, छोटे छोटे क्योंकि बड़ा बहुत 60 है तो 10 तो यही आ गया, तो इधर 54 है इधर मतलब 9 तो इधर ही आ जाएंगे, फिर 54 इधर 9 इधर कितना हो गया, 9 × 54 कितना होता है 9 इधर आ जाएंगे 10 उधर आएंगे 90 हो गए, अब 90 इधर 10 है मतलब 55 मतलब कितना हो गए 90 180, फिर आपके 270, फिर 360, फिर 450 ऐसे इधर तो आएंगे कितने आपके 60 का है 66 का है कितने 10 आ जाएंगे, इधर कितने आएंगे आपके 9 आ जाएंगे, 10 इधर 9 इधर, 10 × 9 कितना 90, ये पहला 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, फिर 540, क्या क्या होता है 750 वो आ जाएंगे। अब वापस यही सवाल जो यहाँ था वही सवाल यही है, शेयर के सेम फर्क क्या है, यहाँ 50 यहाँ भी 25 लेकिन यहाँ दे दिया इसने मीटर, सवाल अगर आपको करना है तो आपको हमेशा तीनों इधर सेंटीमीटर तो उधर भी सेंटीमीटर, उधर मीटर तो इधर भी मीटर होना चाहिए, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो बताओ 3 मीटर में कितने हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर, या इससे गुणा कर लो 100 से, अब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन क्या होगा आपके बराबर, लेकिन एक से नहीं होगा, इसमें भी क्या आएगी आपके घनों की संख्या आएगी, तो इसमें लिखी भी एक यहाँ इधर से आ जाएगा, जैसे आपको खूब सारे रखने पड़ेंगे, कैसे देखो ये 25 है वैसे कितना आएंगे यहाँ पर 12 आ जाएंगे,
इधर 50 है तो कितना आएगा, इधर आपके 2 आ जाएंगे, इधर क्या आएगा एक ही, तो इधर आ जाएंगे पूरे पूरे मतलब 10 तो आ गए, कितना आ गए इधर तो आ गए 12, इधर कितना आया 2, 10 इंटू 2 कितना होते हैं 20, तो उत्तर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो आता है ना, तो देखो 20 आएगा नहीं आएगा, कैसे देखो इसका आइटम, इसका दोनों आइटम क्या होगा आपके बराबर, तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, आपके घन का आयतन के बराबर होगा, जिसमें आपके गुणा होगा घनों की संख्या। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 300 × 50 × 25। और यहाँ घन है, घन में सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, सूत्र लिखो बल, पहले भौमल को बल, सूत्र लिखो बल, यहाँ होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, या भुजा क्यूब भी कह सकते हो, इंटू घनों की संख्या कितनी मान ली, यहाँ ऐसे लिख सकते हो घनों की संख्या लिख सकते हो, यहाँ आएगा 300 × 50 × 25 और यहाँ आएगा 25 × 25 × 25 संख्या ज्ञात करनी, जो गुणा में कितना जाएगा भाग, तो हमें अगर घन ज्ञात करने हैं तो कितना जाएगा 300 × 50 × 25 × 25 × 25 × x, ये कट जाएगा, x इधर आ गया, ये वाला x घनों की संख्या, यह जाएंगे फिर एक्स बचेंगे, यह जाएगा आपके 2 बार और यह जाएगा आपके 1 बार, 5 दस गया तो फिर 2 बार, 12 × 2 कितने होते हैं 24 घन आएंगे, मतलब एक लाइन मतलब इधर 1 2 3 4 5 फिर 12 आ जाएंगे, 12 की एक लाइन पूरी और दूसरी 12 की लाइन, 12 12 कितने हो गए आपके 24। अब है आपके ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ये कितना है आपके 7, अब ये है 7 और ये कितना है 14, इसने कहा है बताओ दोनों का आयतन कौन सा ज्यादा बड़ा है, तो देखो ये क्या है, ये वाली लाइन व्यास कहलाती है, बताओ त्रिज्या कितनी हो गई 14/2 कितना आया है 7, और ये 7 बताओ त्रिज्या कितनी हो गई आपके 7/2 क्योंकि व्यास याद दीजिए होती है त्रिज्या, जैसे इसमें हमने 2 का भाग दिया त्रिज्या, इसमें भी 2 का भाग हो क्या जाएगी त्रिज्या, इसमें ऊंचाई कितनी है 7 है, इसमें ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ आर अलग है यहाँ एच अलग है, पहले इसका ज्ञात करेंगे नंबर 1, इसको तो मानेंगे नंबर 1 और इसको मानेंगे नंबर 2, दोनों का आयतन ज्ञात करना है, बताना किसका अधिक है, तो देखो ध्यान दो सूत्र लगाना है बेलन का आयतन, बताओ सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर एच वर्ग का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वो होता है आयतन, पाई का मान 22/7 × 7 × 7 ऊंचाई दे रखी है 7, ऊंचाई 7 ही है इसका, त्रिज्या 7 है और ऊंचाई भी कितनी है 7 ही, ये कार में तो 154 × 7 गुणा करो 7 × 28 = 2 35 × 2 = 37 और 7 × 3 कितना हो गया आपके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तो 1071 है। अब इसमें बताना है इसमें क्या आएगा, देखो ध्यान दो, अब हमें ये तो पहले बेलन का आयतन, अब हम करेंगे दूसरे बेलन का आयतन, सूत्र वही लगेगा आपके पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान वही 22/7 × त्रिज्या भी है 7/2 × 7/2 कितने होगी 14 सेंटीमीटर, काट दो यहाँ भाग गए आपके 11 बार, यहाँ भाग गए आपके 7 बार, 11 × 7 = 99 = 9 कितने हो गए आपके 44/9 होते हैं आपके 53, ज्यादा इसका उत्तर आया, इसका उत्तर ज्यादा आएगा, इसका पहले बेलन का ज्यादा उत्तर ज्यादा आएगा। अब ये वाला, ये पानी का कुंड है पूरा, इस कुंड की जो हनी है क्या दे रखी है, व्यास तो दे रखा है आपके 3.5 और आपके यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है 5, यही दे रखा ऊंचाई दे दिया, 15.2 ही है त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे त्रिज्या तो दे रखी है आपके 1.5 और त्रिज्या है, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या कितनी है 1.5 और ये कितना दे रखा है आपके लंबाई
देखो ऊंचाई तो दे रखी है, त्रिज्या से 1.5 ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। इसने कहा है कि बेलनाकार दूध का टैंकर है, इसमें 1 लीटर, इसने कहा है कि इसमें 1 लीटर दूध के कितने पॉलिथीन भरे जा सकते हैं? क्या पूछा है? 1 लीटर के कितने? मैंने दूध बता क्या पूछा है? 1 लीटर दूध के कितने पॉलिथीन आएंगे? ध्यान दो, जब भी हमें ज्ञात करना हो लीटर में, तो इसके लिए क्या करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन ज्ञात करो कैसे करेंगे? देखो सूत्र बताया था अभी, बेलन का आयतन सूत्र क्या है ज्ञात करने का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। अब 22 को गुणा करो 2.25 से, तो कितना होता है? 22×5=110, असल का 11, 44×11 कितना होते हैं? 55, असल का 5, 22×44 और 5 कितने होते हैं? 50 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब देखो ध्यान दो, 1 मीटर में कितने, ध्यान दो 1 मीटर में कितना लीटर दूध आता है? 1 मीटर क्यूब में आता है आपके 1000 लीटर। कितना आता है? 1 मीटर क्यूब में आता है 1000 लीटर, क्योंकि 1 मीटर कितना, इतना बड़ा होता है 1 मीटर, कोई बर्तन इतना बड़ा इधर से, इतना बड़ा इधर से, इतना बड़ा इधर से हो, तो उसमें कितना लीटर दूध आएगा? 1000 लीटर दूध आता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने छत पर पड़ी होती है टंकी, अगर इधर से नापो तो वो अगर 1 मीटर की है, इधर से 1 मीटर की है, इधर भी 1 मीटर है, तो उसमें 1000 लीटर की टंकी आती है। तो वो टंकी अगर आपको इसमें पानी कितना आएगा उसके लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। इसने कहा है 1 मीटर में कितना आएगा? 1000, लेकिन इसमें कितना है? 49.70 है, तो बताओ कितना आएगा? 49.50 को गुणा कर देंगे 1000 से, कितना आएगा? 49,500 लीटर। अब 1 लीटर में 1 थैली, तो कितने लीटर हमारे पास? 49,500 है, तो कितनी थैली आएगी? 49,500 थैलियां। अगर हम थैली याद करनी है, थैलियों की संख्या, थैलियों की संख्या याद करनी है, क्या करना पड़ेगा? 49,500 × 1 का, तो कितना आएगा? 49,500 आएगा। आ गया उत्तर? सवाल सही नहीं उतरा।